केशव ने अखिलेश के सम्मान में ऐसी क्या बात कही जिससे मोदी शाह सुनेंगे तो हैरान जरूर होंगे। योगी तो सोच में पड़ जाएंगे, कहेंगे ऐसा क्यों कहा। अब तक सबने अखिलेश केशव के बीच देखी है सिर्फ जुबानी लड़ाई, लेकिन केशव ने अखिलेश के समर्थन में अब अपना पक्ष रखकर एक नया संदेश दे दिया। अखिलेश के लिए केशव किससे हुए नाराज, क्या केशव यूपी में नई सियासत को दे रहे आवाज। अखिलेश और केशव के बीच कैसा सियासी रिश्ता है ये किसी से छिपा नहीं, हर कोई जानता है। दोनों की सियासत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, लेकिन सियासत में जब किसी का लव्स पर्सनल हो जाए तो सियासत को भूलना पड़ता है, किसी का साथ देने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। केशव ने अखिलेश के लिए कुछ ऐसा ही स्टैंड लिया। अब जबकि केशव ने अखिलेश के सम्मान के लिए ऐसी बात कही तो सपा यही कहेंगे शुक्रिया। संदेश तो ये भी जाएगा, जिस तरह अखिलेश पीडीए की बात कहते हैं, अब केशव के जहन में भी शायद ये स्वीकार किया होगा वो खुद पीडीए का हिस्सा है। अब अगर ऐसा मानकर केशव कह रहे हैं तो अखिलेश के समर्थक शुक्रगुजार होंगे। पहली बार केशव के दिल के अंदर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति के लिए एक ऐसा भाव जगा, उनके सम्मान में ऐसी बात कही जिससे मोदी शाह सुनेंगे तो यही कहेंगे आप हमारे हैं, फिर अखिलेश के सम्मान के लिए किसी और से क्यों लड़ रहे, आपके अंदर अखिलेश के लिए इतना सम्मान है, इसे अब तक आपने राज कैसे रखा। सीएम योगी तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात तो पहुंची ही होगी, योगी को तो शायद समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर केशव ने बात कैसे कह दी, अखिलेश के सम्मान में इतनी बड़ी बात कही तो क्यों कही। केशव प्रसाद मौर्य ने ठीक वैसा ही कदम उठाया जैसे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उठाया। ओपी राजभर ने कभी कहा था अहिरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, और भी तरह तरह के बयान यादव समाज पर दिए, लेकिन उस वक्त सब राजभर के उस फैसले पर अमल को लेकर हैरान हो गए जब यादव समाज से वास्ता रखने वाले देवरिया के प्रेम यादव की बेटियों से मुलाकात की, सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के लिए राहुल प्रियंका की कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया, एक ऐसी बात कही कि कांग्रेस की कद्दावर नेताओं की जमात तो यही कहेगी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच जहां सपा कार्यकर्ता कांग्रेस नेता कमलनाथ के बयान से नाराज हैं, तो अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ को इस बयान को लेकर नसीहत दी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बयान पर एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का उनको अखिलेश वखिलेश कहना उचित नहीं, उनका नाम सम्मान से लिया जाना चाहिए। तो इसे किस तरह से लिया जाए इसके बारे में सियासी गलियारों में दो एंगल से अर्थ निकाले जा रहे। पहले एंगल के मुताबिक केशव वाकई में अखिलेश के आवाज बुलंद कर रहे, राजनीति को भूल व्यक्तिगत तौर पर अखिलेश के लिए अभद्र लहजे के लिए कमलनाथ को अपने शब्दों से मर्यादा की सीमा बता रहे। ऐसा इसलिए भले ही दोनों की राजनीति का ट्रैक अलग है, दोनों भले ही अलग अलग विचारधारा से वास्ता रखते हैं, लेकिन दोनों ही पिछड़ा समाज से आते हैं। अखिलेश जिस पीडीए की बात कहते हैं उसी पीडीए से आते हैं। केशव की ओर से अखिलेश के पक्ष में दिए गए बयान को एक दूसरे एंगल से भी देखा जा रहा। कहा जा रहा केशव ने अखिलेश की चुटकी ली। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस और सपा में चल रहे आरोप प्रत्यारोप को लेकर जब पूछा गया तो उनका बयान चर्चा का विषय बन गया। कांग्रेस नेता कमलनाथ से अखिलेश यादव की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा की ओर से अपने उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। ज्यादा जीतेंगे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयानों को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कांग्रेस से खासे नाराज हैं। इतना ही नहीं अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज बता दिया। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस और सपा नेताओं में बयानबाजी जारी है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे। मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर बात बिगड़ने के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही। दोनों ही दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ से लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर टिप्पणी की। वहीं अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस इस तरह से व्यवहार करेगी तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग के राजनीतिक परिणाम पर भी चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश से इंडिया के भीतर शुरू हुई टकराहट का परिणाम उत्तर प्रदेश तक दिखने लगा, और इसी टकराहट के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के सम्मान के लिए अपनी आवाज बुलंद कर दी।